नमस्कार और वांचो मीरा पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश में कई महीनों से APPSC पेपर लीकेज को लेकर चर्चा हो रही है और इसके अगेंस्ट कई अलग अलग संगठनों ने धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। APPSC पेपर लीकेज स्कैंडल्स को लेकर आपने सुना होगा, जो सारा अरुणाचली लोगों के फ्यूचर को खा रहे थे, आने वाले पीढ़ियों के फ्यूचर खराब कर रहे थे, जो फाइनली पकड़े गए। और आज ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन यानी कि अंशु की तरफ से मास रेफरेंडम रैली रखा है। यहां अटेंड करने के लिए हमारे लॉन्डन डिस्ट्रिक्ट से वांचो स्टूडेंट यूनियन भी गए हुए हैं। और आज के धरना प्रदर्शन में कितने लोग जुड़े हैं, कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, आइए पूरी जानकारी लेते हैं WSU यानी कि वांचो स्टूडेंट यूनियन वुमेन विंग की ओर से वुमेन प्रेसिडेंट न्योनू वांगचा से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग अंशु का कोलेबोरेट करके WSU से प्रेजेंट करने आए हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेरा ब्रदर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग का WSU रिप्रेजेंटेटिव के लिए आ देने के लिए। एंड हम ये बोलना चाहेगा आज कि वी स्टैंड स्ट्रांगली टुगेदर विद अंशु फॉर दिस, क्योंकि स्टूडेंट का लाइफ का साथ जो खेलता है वो इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। क्योंकि ये लोग चोर लोग जो निकला है वो लोग ही चोर बनते रहेगा, वो लोग ही सब कुछ करते रहेगा, तो हम लोग कहाँ जाएगा बाद में? इट इज़ अ वेरी मतलब ब्लैंक फ्यूचर हो जाएगा हम लोग एज ए स्टूडेंट। तो हम लोग जो आज अंशु का साथ इसलिए स्टैंड हुए क्योंकि हम लोग का भी फ्यूचर है, तो हम लोग का भी फ्यूचर ब्राइट होना है, हमेशा ब्लैंक फ्यूचर नहीं होना है। इसलिए एक ये अच्छा चीज़ के लिए हम लोग अंशु का साथ स्टैंड किया है। और ये बोलना चाहेगा कि हायर अथॉरिटी लोग जो भी हैं, जो भी BJP गवर्नमेंट हो या हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट हो अंडर लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू जी, आप लोग ये चीज़ को गौर करके देखना है और फिर स्टूडेंट का लाइफ को सोच के, फ्यूचर जनरेशन का लाइफ को सोच के आप लोग जो इसको अच्छा से, जो चोर है जो क्रिमिनल्स है वो लोग को अच्छा से पनिशमेंट देना है अंडर अप्रोप्रिएट सेक्शन। और आज हम लोग WSU को प्रेजेंट करने आया है एंड वी विल ऑलवेज स्टैंड स्ट्रॉन्ग विथ एनीवन जो ऐसा क्रिमिनल के अगेंस्ट, जो ऐसा चीज खराब चीज के अगेंस्ट में जो स्टैंड करते हैं वो लोग का साथ, हमेशा हम लोग साथ है। और WSU के और देखो, हम लोग यहाँ में अंशु के सपोर्ट में आए हैं क्योंकि ये जो बहुत बड़ा है, ये कल फिर लोग स्टूडेंट्स का फ्यूचर के साथ खेला है, तो इन लोग को सीरियस वाला पनिशमेंट लेना चाहिए। और वी आर हियर टू सपोर्ट अंशु एंड टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। हम लोग आए हैं वांचो स्टूडेंट यूनियन का बिहाफ में, और हम लोग यहाँ में वांचो स्टूडेंट यूनियन से रिप्रेजेंट किया है IG पार्क में। और हम लोग जो यहाँ में हर डिस्ट्रिक्ट से आया है, और हम लोग जो अंशु के लिए को सपोर्ट करने आया है यहाँ में, और नेक्स्ट टाइम और यंग जनरेशन के लिए इसे मतलब और मत हो, पेपर लीक जो मत हो, उनके हम लोग को सपोर्ट करने आया है। थैंक यू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये अपॉर्चुनिटी के लिए। आज इस रैली में प्रेजेंट किया है, ये स्पेशलिटी हम लोग अरुणाचल यंग जनरेशन के लिए किया गया है, जबकि APPSC पेपर जो लीक केस किया गया है ये सिंस 2014 से किया गया था बोले, तो अभी पकड़ खाए। तो हम लोग अंशु को सपोर्ट करने के लिए ऑल द वांचो स्टूडेंट यूनियन की तरफ से रिप्रेजेंट करने आए हैं आज, ताकि इन फ्यूचर जनरेशन ऐसा हरकत फिर ना हो। थैंक यू। सबसे पहले नमस्ते। और आज हम लोग यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में वांचो स्टूडेंट्स यूनियन के ओर से हम रिप्रेजेंट करने के लिए आए हुए हैं यहाँ में। और काफ़ी लोग को पता है कि आज का इस रैली जो क्या चीज़ का ऊपर में है, कि काफ़ी साल से बहुत कुछ साल से ये पेपर लीकेज जो हो रहा है, तो वो चीज़ को आप निकोना बम के द्वारा, उसके बाद पूरी APPCS पूरी जितनी भी टीम है, मैं चाहता हूँ कि अरुणाचल की गवर्नमेंट, नॉट ओनली अरुणाचल की गवर्नमेंट, ये हमारा मोदी सरकार भी, मोदी की सरकार में ये जितनी भी हमारा ये इंसिडेंट हुआ है, इसको जल्द से जल्द कल्पित को सजा मिलना चाहिए। आज का रैली के द्वारा ये हमारा संदेश है अरुणाचल गवर्नमेंट को और ये बीजेपी सरकार को, तो काइंडली जितने भी कल्पित है उसे सजा मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच।
हेलो गुड मॉर्निंग वंशुनु, गुड मॉर्निंग अरुणाचल। सबसे पहले तो बहुत दुखद के साथ में ये शेयर करना चाहेगा कि हमारा पेपर लीकेज हुआ है। उसके बाद में आज तो आंसू का थ्रू आंसू लीडिंग करके हमारा ये इसका रैली में हम लोग आया है। तो मतलब हमारा डब्ल्यू एस यू की तरफ से हम लोग भी यहाँ में रिप्रेजेंट करने आया। तो हम यही बोलेगा कि जितना भी सी बी ओ जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा चीज़ को टॉलीरेट नहीं करना चाहिए। हम सेम चीज़ अभी अरुणाचल में सेम चीज़ को रिपीट होते जाएगा तो हमारा यंग जनरेशन का फ्यूचर और हमारा अरुणाचल का फ्यूचर पूरा बर्बाद है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेगा हमारा हाई लेवल जो भी है हाई लेवल तक हम यही मैसेज पहुँचाना चाहता है कि मतलब सेम चीज़ को रिपीट नहीं करने से किसी डब्ल्यू एस यू के और से यहाँ में रिप्रेजेंट करते हुए वन स्टूडेंट की ओर से अलग होना जो इजी होना।